एक छोटी लाल मुर्गी एक फार्म में रहती थी। उसी फार्म में मुर्गी के दोस्त सोती रहने वाली काव, आलसी पिग और बातूनी डब भी रहते थे। एक दिन फार्म पर घूमते हुए छोटी लाल मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिल गए। मुर्गी ने दानों को बोकर गेहूं उगाने का सोचा। इस काम में मदद मांगने के लिए वह अपने दोस्तों के पास गई। दोस्तों देखो तो मुझे क्या मिला है, गेहूं के बीज। काओ, क्या तुम इनको बोने में मेरी मदद करोगी? मैं नहीं कर सकती, मुझे नींद आ रही है। पिग, क्या तुम मेरी मदद करोगी इनको बोने में? सॉरी, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और आराम करना चाहता हूँ। डक, तुम तो मेरी मदद करोगी ना? मैं तो नहीं कर सकती, अभी बहुत गर्मी है तो मैं तैरना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं खुद ही इनको बो देती हूँ। ऐसा कहकर छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही गेहूं के बीज बो दिए। जल्दी ही बीजों से गेहूं के छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए। मुर्गी फिर अपने दोस्तों के पास आ गई। बीज में से पौधे निकल आए हैं। काओ, क्या तुम पौधों में पानी देने के लिए मेरे साथ चलोगी? मैं तो नहीं आ सकती, बाहर कितनी धूप है। पिग, क्या तुम पौधों की सिंचाई में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अभी मेरे खाने का समय है। डक, प्लीज पौधों को पानी देने में मेरी मदद कर दो। नहीं कर सकती, अभी मेरे काम करने का मन नहीं है। फिर तो मुझे अकेले ही सिंचाई करनी पड़ेगी। मुर्गी बिना किसी की मदद के अकेले ही पौधों की देखभाल करती रही। कुछ समय बाद गेहूं पककर तैयार हो गए। छोटी लाल मुर्गी ने अपने दोस्तों से फिर पूछा। दोस्तों, गेहूं पक गया है, अब उसे काट देना चाहिए। कौन मेरे साथ गेहूं की कटाई करेगा? मैं तो नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी नहीं, मैं मिट्टी में खेल रहा हूँ। मैं भी नहीं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, फिर मैं खुद ही काट लेती हूँ। आखिर छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही सारा गेहूं काट कर इकट्ठा कर दिया। सारा काम करने के बाद वह वापस आई। मैंने गेहूं को इकट्ठा कर लिया है, अब इसको पिसवाने के लिए मेरे साथ चक्की तक कौन ले जाएगा? मैं तो नहीं, मैं थकी हुई हूँ। मैं भी नहीं, चक्की तो बहुत दूर है। मैं भी नहीं, इतना भारी बोरा मैं तो नहीं ले जा सकती। अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो मैं अकेले ही चक्की तक चली जाऊंगी। और छोटी लाल मुर्गी गेहूं लेकर चक्की की ओर चल दी। उसने गेहूं को पिसवाकर आटा बनाया और आटे का बोरा लेकर वापस फार्म पर आ गई। थकी हारी मुर्गी ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आटा ले आई हूँ, अब इसके ब्रेड बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? काओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नहीं, ब्रेड बनाना तो बहुत मेहनत का काम है। पिग, क्या तुम मेरे साथ ब्रेड बनाओगे? सॉरी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। डक, क्या तुम मदद करोगी? नहीं, मैं तो अभी मौसम का आनंद ले रही हूँ। बहुत अच्छा, मैं खुद ही ब्रेड बना लेती हूँ। तो छोटी लाल मुर्गी ने अंदर जाकर ब्रेड के लिए आटा गूंथ दिया। जब आटा फूल गया तो मुर्गी ने उसे भट्टी में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्रेड बनकर तैयार हो गई। ब्रेड बिल्कुल गर्मा गर्म थी और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। छोटी लाल मुर्गी ने बाहर आकर पूछा, ब्रेड बनकर तैयार है, मेरे साथ ब्रेड कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगा। मैं भी खाऊंगी। नहीं, कोई नहीं खाएगा। तुम लोगों ने किसी भी काम में मेरी मदद नहीं की, न बीज बोने में, न पौधों की देखभाल करने में, न फसल काटने में, न आटा पिसवाने में और न ही ब्रेड बनाने में।
जब सारा काम मैंने अकेले ही किया है तो ब्रेड भी मुझे अकेले ही खानी चाहिए। और फिर छोटी लाल मुर्गी ने पूरी ब्रेड अकेले ही खाई।